परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से शुक्रवार को पुलिस थाने के बाहर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चालान बनाए गए तथा लोगों से समझाइश के लिए उनको गुलाब के पुष्प भेंट किए गए। जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश पैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गजेंद्र सिंह व थाना प्रभारी हरिराम ने दुपहिया वाहन चालकों को रोककर उनका गुलाब का फूल भेंट कर समझाइश की तथा सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने की अपील की। इस दौरान वाहन चालकों के चालान भी बनाए गए। जिला परिवहन अधिकारी बैरवा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय की ओर से समूचे क्षेत्र में जागरूकता के कार्यक्रम किए गए। मीडिया के सहयोग से वाहन चालकों को गुलाब के पुष्प भेंट किए गए। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष चांदमल मुंदड़ा सहित पत्रकार मौजूद रहे। बैरवा ने बताया कि शनिवार को जिला परिवहन कार्यालय में महिलाओं व युवतियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी महिला संगठनों से सहभागिता का आह्वान किया। आज सड़क सुरक्षा माह 2021 की विभिन्न गतियों के तहत आज शाहपुरा थाना क्षेत्र में संचालित वाहनों के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए गए और वाहन चालकों को से फूल देकर समझाइश की गई कि वो रोड सेफ्टी से संबंधित सारे नियमों का पालन करें, मोटरसाइकिल पर चलते टाइम हेलमेट का उपयोग करें, लाइसेंस अपने साथ रखें, PUCC सर्टिफिकेट अपने साथ रखें और फोर व्हीलर चलाते टाइम सीट बेल्ट लगा के रखें। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और मीडिया के सहयोग से हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे शाहपुरा परिवहन क्षेत्र में कोई भी वाहन बिना रिफ्लेक्टर और बिना बीमा के संचालित नहीं हो। इसमें पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, मीडिया, सारी स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत अच्छा योगदान रहा है। आज श्रीमान DTO साहब, श्रीमान एडली साहब, पुलिस प्रशासन, मीडिया प्रशासन सभी द्वारा आज सड़क सुरक्षा माह के संबंध में वाहन चालकों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए, समझाइश की गई, यातायात नियमों के बारे में बताया गया, उनके बारे में जुर्माना जो बढ़ गया है उसके बारे में बताया गया, स्वयं की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों की पालना करने के लिए बताया गया, समझाइश की गई और भविष्य में भी नियमों की पालना करने हेतु भी उनको समझाइश की गई और आगे भी रोज प्रतिदिन इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।